जय माँ विंध्यवासिनी। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको माँ विंध्यवासिनी का लाइव दर्शन कराऊँगा। माँ विंध्यवासिनी वो माता हैं जो भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए जब कंस आठवीं संतान को वासुदेव जी के हाथ से छीना था, तो वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को नंद जी के हाथ छोड़ करके कन्या उठा लाए थे। वो कन्या ही माँ दुर्गा माँ विंध्यवासिनी थी। वैसे माँ विंध्यवासिनी भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बहन भी कहते हैं उनको। माँ विंध्यवासिनी की महिमा ऐसी है, जब भगवान श्री राम अपने पिताजी और सबके गया के लिए जा रहे थे, तो उस समय वहाँ पर उनका रथ पुष्पक विमान रुक गया था। जो नीचे देखा माँ विंध्यवासिनी देवी थी, तो रुक करके वहाँ पे उन्होंने उनका श्राद्ध किया था, इसलिए राम गया घाट भी है यहाँ पे। और माँ विंध्यवासिनी तंत्र साधनाओं में एक प्रमुख स्थान में इनकी गणना की जाती है। पहली मंदिर है माँ कमरू कामाख्या जो आश्रम में स्थित है। दूसरी है कलकत्ता की माँ काली घाट पे। तीसरी है माँ विंध्यवासिनी विंध्य पर्वत पे, बड़े बड़े तपस्वी बड़े बड़े ऋषि मुनि बाबा की नारा वगैरह और अवधूत भगवान श्री राम स्वामी विवेकानंद इत्यादि महापुरुषों ने तप किया था। विंध्य पर्वत का नाम हमारे राष्ट्रगान में भी आता है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। तो विंध्य पर्वत कहते हैं कि सृष्टि पे जब प्रलय आएगा तो धरती जलमग्न हो जाएगी और सबसे अंत में विंध्य पर्वत डूबेगा, अंत तक विंध्य पर विंध्यवासी जीवित रहेंगे। और ऐसा भी कहते हैं कि सृष्टि में सर्वप्रथम विंध्य पर्वत की ही रचना हुई थी, विंध्य पर्वत ही आया था। आर्यशक्ति माँ जगदम्बे माँ दुर्गे माँ भवानी की एक बहुत ही अलौकिक दिव्य शक्तिपीठ है, जो 51 शक्तिपीठों में से भी आता है माँ विंध्यवासिनी। करुणामयी दयामयी माता है जो अपने भक्तों पर अत्यंत कृपा करती हैं। बड़े बड़े देवतागण भी सर्वप्रथम यहाँ माता का पूजन करने आते हैं। कहते हैं कि जब भगवान सूर्य जब उदय होते हैं, सर्वप्रथम भगवान सूर्य की किरणें माँ के मंदिर पर ही पड़ती है। माँ विंध्यवासिनी की महिमा जगत में सबसे निराली है। तो आइए आप दर्शन कीजिए माँ विंध्यवासिनी का और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और कभी अगर माता की कृपा हुई तो आइए दर्शन भी कीजिए माँ विंध्यवासिनी का। माँ वैष्णो देवी, माँ काली, माँ विंध्यवासिनी, ये सब एक ही देवियाँ हैं। माँ वैष्णो देवी की महिमा भी बड़ी न्यारी है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।